182 kg का इंसान नहीं जानता, उसका बात करने का तरीका, उनके खाने में से खून निकाला, ये भगवान ने बनाया अपने रहने के लिए। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो, 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करने वाले हैं वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज का जो सेशन था वो बहुत स्पेशल था। अगर आपको समझ आ गया तो जितने लोग इस कॉल पे हैं उनकी लाइफ तो चेंज हो जाएगी, लेकिन वो लोगों की लाइफ भी चेंज कर पाएंगे। जो सारी की सारी रोल है आपकी लाइफ में वो सिर्फ आप कैसे एनवायरमेंट में है, कैसे लोगों में है, ये डिपेंड करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जेंट्स हो या लेडीज हो, ये आपके हाथ में नहीं है। आपका जन्म हुआ, भगवान ने आपको बनाया, आप इस दुनिया में आ गए। आपकी शादी किससे होगी ये आपके हाथ में नहीं है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, वो ऊपर से कर रहा है। आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे कितने होंगे, दो बेटियां होंगी, बेटे होंगे, एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, या कोई भी नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप किस मजहब में पैदा हुए हो वो आप बन गए हो, आपकी कोई कलाकारी नहीं है। आप किस देश में पैदा हुए हो, आप इंडिया में हो, यूएसए में, कनाडा में, कहीं पे भी पैदा हुए हो, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो ये भी आपके हाथ में नहीं है। ये सब डिजाइन किया गया है, इन सब के नीचे लिखिए, इन सब से आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई। ये सब काम भगवान ने किए हैं, इन सब कामों के होते हुए भी आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। मैंने बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी बहुत प्रॉब्लम में देखे हैं, अनपढ़ भी प्रॉब्लम में देखे हैं, हर जात, हर लेडीज और जेंट्स को मैंने प्रॉब्लम में देखा है। लेकिन इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? चेंज होएगी आपकी लाइफ जो लोग आपने चूज किए हैं, ये लिखो बड़ा बड़ा, जिन 5 लोगों में आप ज्यादा से ज्यादा रहते हो वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जिंदगी कैसी है। आप जितने भी लोग इस कॉल पे हो आप चेक करो, अगर आपकी जिंदगी में चेंज आया तो आपने कुछ लोग चेंज किए हैं। दूसरा चेंज किया है आपने खाना, और मैं ये सोच के बहुत हैरान हूं, ये बातें तो हमें पहले से पता थी। गुरु साहब ने तो 600 साल पहले लिख दी ग्रंथों में, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसी संगत वैसी रंगत, ये दोनों बातें लिखी हुई थी, लेकिन हमें पता नहीं था। पढ़ी बहुत बार है, सुनी बहुत बार है, गाई बहुत बार है, लेकिन मतलब पता नहीं था, क्योंकि समझाने वाले को भी पता नहीं था। जो बोल रहा था वो बोल रहा था जैसा खाओ अन्न, लेकिन हमने सोच लिया था कि गेहूं ही अन्न है। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, 4 साल से मैंने चपाती नहीं खाई है, इसके लिए कलेक्टिंग कर दो, और लास्ट सांस तक नहीं खाऊंगा, ये लिख लो। अगर आपने जिंदगी चेंज करनी है, हमारे बुजुर्ग बिल्कुल सिंपल थे, वो कहते थे 3 व्हाइट चीजें बंद कर दो, मैदा, चीनी, नमक। पता नहीं, समझ नहीं आता था, वो बोल के वो भी खाते थे और हम भी खाते थे, कहते थे वो ये 3 चीजें बंद कर दो, लेकिन नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर आपने ये चेंज कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गेहूं है ये हमारे देश में भूखमरी फैलती थी तब ये आया था। गेहूं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने नहीं बोला है। कोदरे की रोटी के बारे में गुरु नानक देव जी ने बताया था, गेहूं में किसी ने नहीं बताया था। आपने अगर सिर्फ ये एक चीज चेंज कर दी, सिर्फ खाना चेंज कर दिया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपका बच्चा कोई कैनेडा जाना चाहता है, उसका खाना पीना चेंज कर दो, उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, वो कैनेडा नहीं जाएगा। ये लिखो लाइन, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा चेंज आता है आपके खाने से। और महाभारत होने के लिए रेडी था, दुर्योधन ने बोला कृष्ण भगवान को कि आज रात का खाना आप मेरे घर पे खाना। पढ़ो गीता लिखा है वहां पे, पढ़ो ग्रंथ वहां पे लिखा है, कृष्ण भगवान ने बोला खाना 2 जगह पे खाया जाता है, या तो आपका उस किसी इंसान से प्यार हो या फिर वो भूखा हो। भूखा मैं है नहीं, प्यार मेरा तेरे साथ है नहीं, तो मैंने खाना आपके घर नहीं खाना, विदुर के घर पे खाया। गुरु नानक देव जी ने, जो बंदा लोगों से ब्याज का पैसा लेता था उसके खाने में से खून निकाला, उन्होंने बोला कि ये तेरा गरीबों का ब्याज का पैसा, इस खाने में खून है, ये मैं नहीं खाऊंगा। और दूसरे खाने में से दूध निकाला, ये ग्रंथों में लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आपकी जिंदगी सारी डिसाइड करती है खाने से। अगर आपका खाना पीना गलत हुआ
तो आपका वजन बढ़ेगा। जितनी भी ये फूड कंपनीज हैं, आप समझ लो मेरी बात, ध्यान से समझ लो, जितने भी ये जंक फूड बना रहे हैं, इनमें से दो चीजें निकाली गई हैं, प्रोटीन और फाइबर। जिस खाने में प्रोटीन और फाइबर नहीं होता, उससे हमारी बॉडी की भूख नहीं मिटती है, हम ज्यादा खाते हैं। जब आप वो खाना ज्यादा खाओगे जिसमें कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, तो आपकी फैट बढ़ेगी। अगर आपकी फैट बढ़ेगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप मेडिसिन खाओगे। जब आप मेडिसिन खाओगे तो आपको गुस्सा आएगा, सेहत ठीक नहीं रहेगी, बॉडी साथ नहीं देगी। तो जब गुस्सा आएगा तो घर वाली से झगड़ा होएगा, और जब झगड़ा करके ऑफिस जाओगे, बिजनेस पे जाओगे, तो कस्टमर से लड़ोगे, पहले सेहत खराब होएगी, फिर रिश्ते खराब होएंगे, फिर बिजनेस खराब होएगा। जब ये तीनों चीजें खराब होंगी तो आपकी जिंदगी प्रॉब्लम में आएगी, आपकी लाइफ प्रॉब्लम में आएगी। और 96% लोगों के साथ यही हो रहा है, 96% लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। आप चेक करिए आप किन लोगों में हो, वो सेहत की बात कर रहे हैं, उनका कोई गोल है, उनकी कोई मेंटल हेल्थ सही है। ज्यादातर लोग तो लोगों में ऐसे लोग, उनको पता ही नहीं है कि हम गलत लोगों में हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये चार लोग आपके ही आपको बीमार कर रहे हैं। आपको समझना है, अगर ये छोटा सा मैसेज आपको समझ आ गया, दो चीजें अगर आपने चेंज कर दी, एक खाना और एक लोग, जिनको नॉलेज नहीं है, अगर उनको चेंज कर दिया तो आपकी जिंदगी चेंज होनी तय है। और गुरु साहब ने ये पहले लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसी संगत वैसी रंगत। और तीसरी बात जो उन्होंने लिखी, अगर उसको आपने अप्लाई किया तो आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। गुरु का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस इंसान ने जो काम कर लिया उससे पूछ लो और प्रैक्टिस करो, आप कर जाओगे, क्योंकि आपको वो इंसान सिखा रहा है जिसने वो काम किया है। कोई भी बंदा LLB करने के बाद एडवोकेट नहीं बनता है, 3 साल एडवोकेट के साथ लगाने से वो एडवोकेट बनता है। कोई भी डॉक्टर पढ़ने से डॉक्टर और ब्रेन का और हार्ट का ऑपरेट नहीं करता है, 3 साल डॉक्टर के साथ लगाने पे फिर वो हार्ट का ऑपरेट करता है। आपको ये डिफरेंस समझना है, जो आप करना चाहते हो उन लोगों में रहो, उनसे सीखो, उनका बात करने का तरीका, उनका स्टाइल, जब आपका ये कंप्यूटर उठा लेगा तो आप जादू कर जाओगे। यहाँ पे 70-70 साल के लोग बोल रहे हैं, मैंने 40 किलो वेट कम किया, मैंने, इसका मतलब 70 साल की उम्र तक उनको नहीं पता था ये कम हो सकता है, उन्होंने लोग चेंज किए, खाना चेंज किया और जिंदगी चेंज हो गई है। 182 किलो वजन, 182 kg, और चाहिए 76। आप समझो 106 किलो वजन ज्यादा बिना संगत के हो सकता है, बिना मेंटल हेल्थ के हो सकता है। और ये नया जन्म है, आपको नॉलेज नहीं है, ये एक और जन्म हो जाएगा जब हम लोग आइडल वेट पे आएंगे। 182 kg का इंसान नहीं जानता 72-74 की जिंदगी कैसी होती है, लाइफ स्टाइल कैसा होता है, माइंड सेट कितना पावरफुल होता है। और खराब किसने किया? हमने, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी और हम उन लोगों में थे जिनको कोई नॉलेज नहीं है। और एक लाइन लिखी है मेरी तरफ से, फिट होना एक बहुत पावरफुल स्किल है, इसको लाइट मत लेना। अमीर होना भी एक बहुत पावरफुल स्किल है। आप चेक करो आपकी फैमिली में, आपके जान पहचान में कोई बंदा बहुत अमीर है, कितना कितनी बात करता है आपसे, वो कितनी रह लेता है, आप बोल भी नहीं सकते उस इंसान के सामने, कोई राय नहीं दे सकते। जो बंदा फिट है, जो ज्यादा अमीर है, फिटनेस वाले इंसान को आप नहीं बोल सकते ये खाओ, बोला कर लेक्चर मत करो यार, मेरे को पता है क्या खाना है। आप क्यों नहीं बन सकते वो? आपको कोई भी मेंटली डिस्टर्ब करके चला जाता है, कोई भी बोल के चला जाता है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, आपके चारों तरफ के लोग आपको बीमार कर रहे हैं। बाप बेटे को बोल रहा है तू नहीं कर सकता, तेरे को अकल नहीं है, तू पागल है। बड़ा भाई छोटे को बोल रहा है तू पागल है, तेरे को साले अकल नहीं है। मेरे साथ ये हुआ रियल में, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ। जब हमारा पार्टीशन हुआ, मेरे ब्रदर ने बोला तेरे को 10,000 रुपया कोई जॉब नहीं देगा और तू मेरे पास जॉब करेगा। और मेरे को लगता था कि मेरे को नहीं मिलनी जॉब, मेरे को ये लगने लग गया था और मेरे को लगता था जिंदगी खत्म हो गई है। और आज वही इंसान है जो आपको बोलता है कि आप लाइफ चेंज कर सकते हो। लोग चेंज हो गए, लोग बदल गए, खाना बदल गया, सीखना शुरू कर दिया जो पहले कभी सीखा नहीं था, जो आपने स्टडी की है उससे आपकी जिंदगी जीरो है, ये लिख लो बड़ा बड़ा, उससे उसके आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है। उससे आपको ये नहीं पता चला कि रिश्ते कैसे ठीक होंगे, आपको ये नहीं पता है कि अमीर कैसे होना है, आपको उस इंसान ने पढ़ाया जिसकी खुद की सैलरी 1 लाख रुपए है,
जिसकी खुद की सैलरी 20,000 है, वो आपकी जिंदगी नहीं चेंज कर पाएंगे, वो करेंगे जिंदगी चेंज जिन्होंने अपनी चेंज की है। और ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी थी, हमने पढ़ी है, गाई है, अप्लाई नहीं की है। लेकिन अभी आपके पास मौका है, अगर आप इस कॉल पे हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपने बहुत जन्मों में कुछ अच्छा किया है, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। जो भी आपको इंसान बोलता है तू नहीं कर सकता, जो भी है वो, उसको ब्लॉक करो यहां से। आपको पता नहीं है, जो बार बार बोला जा रहा है ये ब्रेन उसको सच मान लेता है। उसको 10 साल पहले जब मैंने सुजुकी का शोरूम खोला, 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी, मेरा ब्रेन एक ही बात उठाता था कि ये 1,30,000 रुपया कहीं से आ जाए, जो ब्याज देनी है, ये सैलरी देनी है 2,50,000 रुपया, ये आ जाए बस, और ये मेरी ये जो इंस्टॉलमेंट है गाड़ी की ये निकल जाए बस, ऐसे ही सोचता था ये। लेकिन मेरे लोग चेंज हुए, मैंने ट्रेनिंग पे गया, वहां मैंने सोचा यार ये लेडीज जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई वो 1 लाख रुपया महीना कमा रही है, और हम 5 करोड़ रुपया लगा के शोरूम पे सोचते हैं 1 लाख रुपया बन जाए, मेंटल हेल्थ समझो आप। और वहां पे कुछ दिन रहने के बाद मेरे को लगा 5 लाख भी बनेगा, 10 लाख भी बनेगा। पिछले में मैंने 14 लाख रुपया जीएसटी भरा है, 14 लाख रुपया जीएसटी 1 महीने का। ये है मेंटल हेल्थ, ये आप सबके साथ हो सकता है, बस आप अपने आप को, इस ब्रेन को खोलो और लग जाओ इन लोगों के साथ। ये जिंदगी में मौका आपको कभी कोई बंदा नहीं सिखाएगा आपको कि 1 लाख रुपया कैसे कमाना है, मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि आप कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में एक भी इंसान है ना, एक लाइन लिखो मेरी तरफ से, पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान जो कहता है तुम कर सकते हो, उसका कहना मान लो, सिर्फ उसका कहना मान लो। 800 करोड़ लोग आपको बोले तुम नहीं कर सकते, तुम अनपढ़ हो, तुम लेडीज हो, तुम गांव में रहते हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, उनकी बात मत सुनो, उस इंसान की सुनो जो कहता है तुम कर सकते हो। और वो इंसान है जिसने वो काम किया है, और गुरु साहब ने हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा पड़ा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भागना है, खड़ना भी नहीं है उसके पास। जिसको पानी में तैरना नहीं आता, अगर उसके साथ हुए तो आपका डूबना तय है। जो खुद बंदा अनहेल्थी है, जो खुद बंदा गरीब है, जिसके खुद के रिश्ते खराब हैं, अगर वो आपको लेक्चर कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हो, आपको कोई नहीं बचा सकता है, आपको वो लोग ब्लॉक करने पड़ेंगे। 10 साल पहले मैं 5 ऐसे लोगों में था जो मेरे साथ वजन कम करना चाहते थे, रोज सैर पे जाते थे, रोज रनिंग करते थे, अमीर भी होना चाहते थे। जब मेरा वेट कम हुआ, मैंने उन 5ों को बिठाया, मैंने बोला मैं अमीर होने वाला हूं और मैं फिट होने वाला हूं, मेरा वजन 16 किलो कम हो गया, आप भी करो। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, आज 10 साल हो गए मैंने छोड़ दिया। वो मेरे को बोलते थे तेरे भोग पे भी नहीं आएंगे, 3 के भोग पे मैं जाया यार, दूर रहते हैं अभी। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, बोल वो सच्ची रहे थे, मेरे भोग पे सारे कैसे आ जाएंगे, मैं तो 125 साल जीने वाला हूँ, वो कहाँ से मेरे भोग पे आएंगे, आप समझो बात को। कभी कभी हमें सामने वाले की बात समझ नहीं आती, अब मेरे को समझ आती है। मैंने बोला तेरे बस की बात नहीं है मेरे भोग पे आना। मैं जब आज सुबह मिरर के सामने खड़ा था ना, मैंने 10 बार अपने आप को आई लव यू बोला, देखो चमक रहा है ना स्किन, है ना, कुछ नहीं है फेस पे, आप इतने पिंपल्स होते थे मेरे पे, मैं निकालता ही रहता था रोज रोज, सारी मुंह में ही पस पड़ी रहती थी, नॉलेज नहीं थी, 20 20 कप चाय पी जाते थे। आपके लिए जहर है वो खाना जो आपके इस मंदिर को खराब करता है, लिख लो। जो सामान गुरुद्वारे मंदिर में नहीं चढ़ता इसमें भी मत डालो, वो मंदिर गुरुद्वारे हमने बनाए हैं, ये भगवान ने बनाया अपने रहने के लिए, और हर बात ग्रंथों में लिखी है। गुरु नानक देव जी ने लिखा है जे रत लग गए कपड़ी जामा होए पलीत, पलीत का मतलब होता है इतना गंदा आप देख भी नहीं सकते। जे रत पीवे मानसा क्यों कर निर्मल चीज, अगर आपके कपड़ों पे खून लग जाता है तो आप उनको पहनते नहीं हो, अगर अंदर खून जाएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपकी शांति खत्म हो जाएगी। और लोग तो नॉनवेज खा रहे हैं, प्रोटीन चाहिए हमें, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटीन है वो लेना नहीं है, आप समझो मेंटल हेल्थ। और ये लोगों के साथ नहीं हो रहा, मेरी खुद की फैमिली में हो रहा है, मेरी खुद की फैमिली में बच्चे बीमार हैं हमारे भाइयों के, नहीं सुन रहे, वो नहीं लिखा हाथ में, पता नहीं किस किस के पैसे देने हैं, कोई घुटने चेंज करवा रहा है, कोई कैंसर का इलाज करा रहा है, और हम लोग जा रहे हैं सारे 2 किलो एप्पल लेके पता लेने, क्या कर सकते हैं, लाइन नहीं है हाथ में। और अगर आपको चाहिए पैसा और सेहत, तो 3 साल के लिए अपने आप को फील करो कि हम यूएसए चले गए हैं, जिस दिन हमारी ट्रेनिंग हो, अगर उस दिन कोई शादी या फंक्शन है, अपने इस कंप्यूटर से पूछो कि यूएसए से वापस आता है शादी पे, अगर ये बोलता नहीं तो आप ट्रेनिंग पे आओ,
आप 3 साल के लिए अपने घर पर रह के ही सोचो कि मैं यूएसए में हूं। आप उन लोगों के फंक्शन में मत जाओ जिस दिन आपका कोई फंक्शन है। आप रोको अपने आप को, और अगर ये 3 साल आपने कर दिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके पूरे खानदान में आपसे फिट और आपसे अमीर कोई इंसान नहीं हो सकता। ये लिख लो, सारी कुंडलियां बदल जाएंगी, सारे वास्तु बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। एक चीज बदल दो, खाना। दूसरी बदल दो, लोग। ये 2 चीजें अगर आपने की चेंज तो जिंदगी चेंज होनी तय। हमने भी की है, आपकी हमारी हो गई है, आपकी हो जाएगी। गोल लिखिए डेट के साथ, 13/4/25 को मेरी एक्टिव अर्निंग हो गई है, 19/11/30 को मैं प्रेसिडेंट बन के उस एकेडमी में आ गया हूं। ये लिख लो, मेरे कहने से आपके साथ हो जाएगा। ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल है। और 17/11/32 को मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। चाहे समझ आए चाहे ना आए, मेरे कहने से ये लिखना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको भगवान ने चुन लिया है, लेकिन आपको विश्वास है चाहे नहीं है। जो बंदा बोल रहा है तू नहीं कर सकता, उसको ब्लॉक करो। जो बोलता है कर सकता है, उसका कहना मानो, आप कर जाओगे। 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, आप राम राम बोलिए, वाहिगुरु बोलिए, अल्लाह बोलिए। आपने किसी गुरु से नाम लिया उसका सिमरन करिए। 1,000 कामयाब लोगों का सर्वे हुआ है, 1,000। एक बात सब में सेम पाई गई है, उन सब कामयाब लोगों ने जो इस दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो भगवान पे विश्वास रखते हैं, वो भगवान से डर के बात करते हैं, वो लोग कामयाब हैं इस दुनिया में। ये ऐसे ही नहीं कोई बोला जा रहा कि ये 2.5 घंटे निकालने जरूरी है, ये गुरुओं ने हजारों साल पहले लिखा है। ये सबको करना पड़ेगा अगर आप चेंज करना चाहते हो। 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। बुरा करना आपकी ड्यूटी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, करता तो वही है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि मैंने किसी के बारे में बुरा ना बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। पता क्यों बन जाएंगे? क्योंकि फिर आप भगवान को मानने लग जाओगे। जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और अगर आपने ये 2 लफ्ज बोलने शुरू कर दिए, तू सही मैं गलत, तो आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू आपका सबका, बहुत बहुत।